नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल ICT अकादमी में आप लोग का स्वागत है। आज फिर से हम आप लोग के लिए नेशनल स्कॉलरशिप रिलेटेड एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप लोग नेशनल स्कॉलरशिप में NMMS यानी कि नेशनल मींस टू मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के लिए रिन्यूअल कैसे करेंगे। जैसे कि ये स्कॉलरशिप स्कीम क्लास 8 में जो स्टूडेंट NMMS का एग्जाम पास करते हैं वो स्टूडेंट 9 क्लास जाते हैं तब स्कॉलरशिप को अप्लाई करते हैं। फिर स्टूडेंट 9th में अप्लाई करते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन करके, फिर वो फॉर्म को फाइनल सबमिट करते हैं, फिर उसको पेमेंट मिलता है। नेक्स्ट ईयर जब NSP स्कॉलरशिप ओपन होता है दोबारा स्टूडेंट लॉग इन में रिन्यूअल करते हैं। तो आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे आप लोग को रिन्यूअल करना। अगर क्लास 9th में स्टूडेंट है तो न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, लेकिन जब स्टूडेंट 10th में जाएंगे तब रिन्यूअल करेंगे, 11th में जाएंगे तब रिन्यूअल, फिर 12th में जाएंगे तब रिन्यूअल। तो अगर बीच में स्टूडेंट का इंस्टीट्यूट भी अगर चेंज हो जाता तो कैसे इंस्टीट्यूट को अपडेट करना है, लाइव प्रूफ इस वीडियो में साथ ही साथ एक स्टूडेंट का अप्लाई करके दिखाने वाला हूं। तो अगर आप लोग को NMMS स्कॉलरशिप स्कीम को अप्लाई करना रिन्यूअल करना तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए स्टूडेंट वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड ग्रुप में शेयर भी कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। और अगर आप लोग टेलीग्राम यूज करते हैं तो हम लोग का टेलीग्राम के साथ भी जुड़े रहिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिए है, क्योंकि टेलीग्राम पे भी बहुत सारा अपडेट है, सबसे पहले वहीं पर अपडेट करता हूं। चलिए अभी एक स्टूडेंट का मैं रिन्यूअल करके आप लोग को लाइव दिखाने वाला हूं फाइनल सबमिट तक। तो ये NSP का ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से स्टूडेंट स्कॉलरशिप को अप्लाई करता है। ये स्कॉलरशिप पोर्टल में बहुत सारा स्कॉलरशिप स्कीम के लिए स्कॉलरशिप अप्लाई होता है, तो आपको अपना स्कीम को ही लेके चलना है जो स्कीम के लिए आप एलिजिबल है। तो NMMS का भी बात कर रहा हूं, तो न्यू रजिस्ट्रेशन का वीडियो पहले भी बना चुका है, अगर नहीं देखे तो इन सब वीडियो को देख लीजिएगा, आप लोग को नॉलेज मिल जाएगा। NMMS स्कॉलरशिप स्कीम में स्टूडेंट को क्लास 9th में 10th में 11 12 चार साल स्टूडेंट को 12,000 करके मिलता है। तो देख सकते हैं ये लॉगिन का ऑप्शन है, यहाँ पर हम रिन्यूअल में चले जाता हूँ जो कि अभी नया सेशन का फॉर्म निकला हुआ। तो रिन्यूअल नया सेशन में क्लिक करना है, जो भी नया सेशन रहेगा उसके बाद आपको स्टूडेंट का एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड को फिलअप करना और जो कैप्चा दिखाई दे रहा है वो कैप्चा को यहाँ पर फिलअप करना। स्टूडेंट का एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड सेम होगा जो पिछले साल था, अगर याद नहीं है तो यहाँ से फॉरगेट करेंगे, अगर एप्लीकेशन नंबर याद नहीं है तो एप्लीकेशन नंबर फॉरगेट, अगर पासवर्ड पता नहीं है तो रिकवर पासवर्ड कर सकते हैं, पासवर्ड रिकवर हो जाएगा। अगर मोबाइल पे OTP वगैरह नहीं आ रहा पासवर्ड रिकवर में तो आप लोग अपडेट मोबाइल नंबर करेंगे, अभी नया अगर आपके पास कोई मोबाइल नंबर है उसको भी आप अभी अपडेट कर सकते हैं। तो एक स्टूडेंट का मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ, जैसे लॉगिन करते हैं तो देख सकते हैं स्टूडेंट का फॉर्म लॉगिन हो गया, स्टूडेंट का नाम आ गया, इधर ऑप्शन आ रहा है अप्लाई फॉर रिन्यूअल, अपडेट इंस्टीट्यूट, ऐड आधार वगैरह वगैरह। तो आपको ऐड आधार वगैरह ये सब को ध्यान नहीं देना क्योंकि स्टूडेंट का आधार पिछले साल दिए हुए थे, लेकिन अपडेट आधार का ऑप्शन आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी अप्लाई फॉर रिन्यूअल में हमको क्लिक करना है, तो अप्लाई फॉर रिन्यूअल में जैसे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर रिन्यूअल फॉर स्कीम नेशनल मींस टू मेरिट, मतलब इसी को हम लोग NMMS बोलते हैं, नेशनल मींस टू मेरिट स्कॉलरशिप, जिसमें स्टूडेंट को 12,000 करके चार साल मिलता है, क्लास 9, क्लास 10th में, फिर 11th में, फिर 12th में। उसके बाद स्टूडेंट का नाम सब कुछ आ जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर प्रेजेंट इंस्टीट्यूट शो होगा, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट का प्रेजेंट इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसको अगर चेंज करना है आपको, अगर स्टूडेंट इसी इंस्टीट्यूट में है तो ठीक है, अगर चेंज करना है तो अपडेट इंस्टीट्यूट का ऑप्शन इधर दिया गया है, तो अपडेट इंस्टीट्यूट में जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी इंस्टीट्यूट में अभी है वो इंस्टीट्यूट को आप ले सकते हैं, जैसे स्टेट इंस्टीट्यूट का स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, गेट इंस्टीट्यूट करेंगे इंस्टीट्यूट का लिस्ट आ जाएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल आप लोगों को दिखा रहा हूं, जैसे झारखंड लिए, अगर धनबाद लेते हैं, आप लोग अपना अपना स्टेट डिस्ट्रिक्ट को लेंगे, गेट इंस्टीट्यूट लिस्ट करेंगे, फिर जो स्कूल में इंस्टीट्यूट में अभी स्टूडेंट है उसको इस प्रकार टिक करना है और यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे सेलेक्ट करेंगे वो इंस्टीट्यूट आ जाएगा, फिर अपडेट करेंगे तो आपका इंस्टीट्यूट अपडेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंस्टीट्यूट अपडेट जैसे ही हो जाएगा तो इंस्टीट्यूट आपका यहाँ पर तुरंत ही शो नहीं होगा, ओल्ड इंस्टीट्यूट ही दिखेगा आपको। फिर उसके बाद क्या करना, कंफर्म आधार के लिए आधार नंबर यहाँ पर देना होगा, तो मैं स्टूडेंट का आधार कार्ड को यहाँ पर लिख के रखा हूँ, इसको हम यहाँ पर कॉपी करता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हैं आधार कार्ड को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिए। अभी आपको क्या क्या फिल करना देख लीजिए, स्टूडेंट का एनुअल इनकम फिलअप करना, अभी इंस्टीट्यूट जो है स्टूडेंट का चेंज नहीं हुआ इस बात का ध्यान देंगे, अभी इनकम ले लिए, डे स्कॉलर हॉस्टेलर प्रेजेंट कोर्स ईयर 1 ऑटोमेटिक आया, क्लास स्टार्ट डेट यहाँ पर लेना है, तो क्लास स्टार्ट डेट आप लोग देख लेंगे, अभी
जब एडमिशन लिए उस स्कूल कॉलेज में उसका डेट दे देंगे, इसका है 22 सितंबर, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिक ये प्रमोटेड है, एडमिशन ईयर अभी 11th में स्टूडेंट गया है दूसरा स्कूल में कॉलेज में, तो 2021 ले लिए, रोल नंबर ले लिए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस फॉर्म को एक बार सेव एज ड्राफ्ट करना, एक बार कन्फर्म सेव एज ड्राफ्ट करना ही है, ठीक है। जैसे सेव एज ड्राफ्ट करेंगे तो देख सकते हैं एप्लीकेशन हैज बीन ड्राफ्ट मोड हो जाएगा और आपका जो नया इंस्टीट्यूट है जिसको आप चेंज किए वो इंस्टीट्यूट यहाँ पर शो होगा। जब आप एक बार सेव एज ड्राफ्ट करेंगे उसके बाद आपका इंस्टीट्यूट शो हो जाएगा, तो देखेंगे कि हाँ अभी यही इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट का नाम आ जाएगा। अभी आपको क्या करना, अगर आप पिछले बार बोनाफाइड अपलोड किए थे तो बोनाफाइड को आप अपलोड करेंगे, यहाँ से पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर पिछले बार बोनाफाइड नहीं दिए तो फॉर्म वेरीफाई हो गया था तो आपका मर्जी, बोनाफाइड देना है तो दीजिए, नहीं तो मत दीजिए, क्योंकि 50,000 से कम आपको मिलने वाला तो कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग बोनाफाइड अपलोड करते हैं तो मैं अपना बोनाफाइड को डाउनलोड करूंगा। तो यहाँ पर बोनाफाइड डाउनलोड करने का ऑप्शन है, तो जैसे बोनाफाइड को डाउनलोड करेंगे तो स्टूडेंट का यहाँ पर नाम वगैरह सब कुछ आ जाएगा जो पहले आया था, फिर स्टूडेंट का फोटो चिपकाना, रोल नंबर लिखना, जिस कॉलेज में पढ़ाई करे वो कॉलेज का हेड मतलब प्रिंसिपल से साइन कराना, स्टैंप लगाना, प्रिंट करने के बाद फिर इसको ले आना है। तब तक आपको इस फॉर्म को लॉग आउट करके रख देना। तो जैसे कि मैं लॉग आउट कर दिया, अभी इस बोनाफाइड को प्रिंट करके कॉलेज चला जाऊंगा, साइन वगैरह फोटो साइन करा के ले आऊंगा। अभी मैं अगला दिन आता हूं फिर लॉग इन करता हूं, तो देख सकते हैं अभी हम स्टूडेंट का फॉर्म को दोबारा लॉग इन कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोबारा यहाँ पर लॉग इन में क्लिक कर दिए, स्टूडेंट का फॉर्म लॉग इन हो गया। फिर अप्लाई फॉर रिन्यूअल में जाएंगे, उसके बाद देखेंगे स्टूडेंट का जो स्कीम है वो आ गया, नाम वगैरह आ गया, अब जो नया स्कूल कॉलेज लिए तो वो भी दिखेगा। फिर दोबारा हमको यहाँ पर अपना आधार नंबर को फिर से पेस्ट करना, आधार नंबर ले लिए, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये जो एनुअल इनकम देख लेंगे, सब कुछ सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अभी डॉक्यूमेंट को हमको अपलोड करना मतलब बोनाफाइड को, तो बोनाफाइड अपलोड में क्लिक करेंगे, सेलेक्ट फाइल में क्लिक करेंगे और स्टूडेंट का बोनाफाइड सर्टिफिकेट ये रहा है जो कि साइन करा के लिया है या स्कैन कर लिया है और यहाँ पर मोबाइल से ही मतलब फोटो खींच लिया, इसको ले लिए। और यहाँ पर जो डेट ऑफ इशू मांग रहा था वो डेट ऑफ इशू बोनाफाइड का जिस दिन सिग्नेचर है वही डेट को यहाँ पर लिखेंगे, तो देख सकते हैं बोनाफाइड सिग्नेचर 25 नवंबर का है, तो हम स्टूडेंट का बोनाफाइड को ले लिए और 25 नवंबर यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए, हो गया। अभी अपलोड में क्लिक करना, इधर कुछ भी नहीं डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट अपलोड नाउ में क्लिक कर दीजिए, आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट देख सकते हैं डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली हो गया। अभी मेरा बोनाफाइड यहाँ पर भी प्रीव्यू होने लगा, व्यू में देख सकते आई बटन बन गया, यहाँ पर ओके करके बोनाफाइड को एक बार चेक कर सकते हैं, जी हाँ बोनाफाइड बिल्कुल सही है, क्लियर है, स्टूडेंट का फोटो वगैरह सब कुछ आ रहा है, अभी आपका सब कुछ सही है, देख सकते हैं आधार नंबर लिख दिए, इनकम लिख दिए, डेट ऑफ स्टार्ट डेट लिख दिए मतलब क्लास स्टार्ट डेट, और इधर सब कुछ सही है, एडमिशन ईयर 2021 एक बार मिला लेंगे, हाँ स्टूडेंट यही स्कूल है और सब कुछ सही है। अभी हम क्या करेंगे, स्टूडेंट का फॉर्म को फाइनल सबमिट क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओके में क्लिक करेंगे, कोई भी गलती कोई स्टूडेंट नहीं करेंगे, ठीक है। देख सकते हैं फाइनल सबमिट किए, योर आधार नंबर इज वैलिडेट हो गया और ओके कर देते हैं, देख सकते हैं अभी स्टूडेंट का फॉर्म फाइनल सबमिट हो गया। अभी यहाँ पर टेक ए प्रिंट आउट का ऑप्शन है और यहाँ पर प्रिंट में क्लिक करते हैं, इस तरह का इंटरफेस ओपन हुआ, फिर यहाँ पर प्रिंट में क्लिक करके इस पेज को हमको प्रिंट कर लेना, प्रिंट करने के बाद इसको यहाँ पर स्टूडेंट का सिग्नेचर यहाँ पर है, स्टूडेंट सिग्नेचर करके अपना स्कूल में इस पेज को जमा कर देंगे। अगर कोई डॉक्यूमेंट अदर डॉक्यूमेंट मांगेंगे स्कूल कॉलेज में तो स्टूडेंट का यहाँ पर सिग्नेचर होना है, उसके बाद अगर मांगेंगे तो आधार कार्ड का जेरोक्स, बैंक खाता का जेरोक्स, इनकम सर्टिफिकेट का जेरोक्स को सबमिट कर देंगे अपने स्कूल कॉलेज में अगर मांगते हैं तो फिलहाल अभी हम इसको पीडीएफ फाइल में सेव करता हूँ और पीडीएफ फाइल में इसका नाम से हम इसका सेव कर दिए, ठीक है। उसके बाद ध्यान देंगे, अगर बाय मिस्टेक अभी भी आपसे कुछ गलती हो गया तो भी आपका फॉर्म एडिट हो जाएगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, एडिट वाला वीडियो को, इसमें एडिट का ऑप्शन मतलब डिटेल्स में बताया गया, तो जिससे कि आपको इंस्टीट्यूट में कॉन्टेक्ट करना है फिर आपका फॉर्म एडिट हो सकता है, तो इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा अगर एडिट करना है फाइनल सबमिट के बाद। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड ग्रुप में शेयर।